नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम में नहाने के लिए वाटर हीटर और गीजर काफ़ी काम आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप एक गीजर लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गैस गीजर बेस्ट होगा या फिर इलेक्ट्रिक गीजर, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और साथ ही साथ इनको हम 5 पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे। वो पैरामीटर हैं प्राइस, कैपेसिटी एंड हीटिंग परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड यूजेस, स्पेस एंड इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बेस्ट गीजर सेलेक्ट कर सकें। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीजर 2 टाइप्स के होते हैं, गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। गैस गीजर की बात करें तो इनके अंदर LPG गैस का यूज़ किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। इनके अंदर कॉपर ट्यूब्स, बर्नर, वाल्व और माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। जब आप LPG गैस और वाटर टैप को ऑन करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर फ्लो ऑफ वाटर को सेंस करता है और LPG वाल्व को ऑन करके बर्नर को जला देता है, जिसकी वजह से कॉपर ट्यूब में घूमता हुआ पानी गर्म हो जाता है और आपको गर्म पानी मिल जाता है। अब क्योंकि इनमें LPG गैस का यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको गैस गीजर कहते हैं। वहीं बात करें इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक गीजर की, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एलिमेंट, वाटर टैंक और एनाड्रॉड का यूज़ किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। इनकी वर्किंग थोड़ी सिंपल होती है। इनके अंदर एक वाटर टैंक लगा होता है जिसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है। जब आप गीजर ऑन करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट वाटर टैंक के अंदर पानी को गर्म कर देता है और आपको गर्म पानी मिल जाता है। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिक गीजर कहते हैं। इनके अंदर आपको 2000 से लेकर 4500 वाट तक की पावर और 3 लीटर से लेकर 50 लीटर तक की वाटर टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो ये मेनली वर्किंग डिफरेंस होता है गैस गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर में। आइए अब इनको कंपेयर करते हैं अपने 5 डिसाइडिंग पैरामीटर पे। और सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एंड बजट की। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो गैस गीजर आपको 2500 से लेकर 8000 रुपीज़ के आसपास मिल जाते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक गीजर थोड़े कॉस्टली होते हैं। इनका प्राइस शुरू होता है 3500 से और जाता है 20000 तक, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड एंड मॉडल। तो यदि आपका बजट कम है तो आपके लिए गैस गीजर, और यदि बजट का इशू नहीं है तो इलेक्ट्रिक गीजर आपके लिए बेस्ट हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटी एंड हीटिंग परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, गैस गीजर में कोई वाटर टैंक नहीं लगा होता। इनके अंदर आपको इंस्टेंट वाटर हीटिंग मिलती है, यानी आप जितना चाहें उतना गर्म पानी उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि जो गैस गीजर में आपको 3 लीटर और 6 लीटर लिखा होता है, वो उसकी टैंक कैपेसिटी नहीं होती। उसका मतलब ये होता है कि आप गैस गीजर में 1 मिनट में उतना ही गर्म पानी निकाल सकते हैं। यानी गैस गीजर में आपको इंस्टेंट हीटिंग मिलती है और आप जितना चाहें उतना गर्म पानी निकाल सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक गीजर की बात करें तो इनके अंदर आपको 3 लीटर से लेकर 50 लीटर तक की वाटर टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, लेकिन ये पानी को गर्म करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। यानी इनके अंदर आपको हीटिंग स्लो मिलती है और आप वाटर टैंक कैपेसिटी के हिसाब से ही गर्म पानी निकाल सकते हैं। तो यदि आपको इंस्टेंट वाटर हीटिंग चाहिए तो गैस गीजर, अदरवाइज इलेक्ट्रिक गीजर आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड यूजेस की। तो दोस्तों, सेफ्टी की बात करें तो इन दोनों ही टाइप के गीजर में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गीजर थोड़े प्रीमियम होते हैं तो इनके अंदर आपको एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों ही टाइप के गीजर को यूज़ करते समय सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां एक ओर गैस गीजर में आपको LPG गैस लीकेज और फायर का खतरा रहता है, वहीं इलेक्ट्रिक गीजर में आपको इलेक्ट्रिक करंट लगने का खतरा रहता है। यूजेस की बात करें तो यदि आप सिटी में रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक गीजर को नहाने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। वहीं यदि आप गांव या कस्बे में रहते हैं, बिजली आती जाती रहती है या फिर आपके घर के बाथरूम में LPG गैस का कनेक्शन लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप गैस गीजर को आराम से नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेस एंड इंस्टॉलेशन की। दोस्तों, स्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक गीजर की स्पेस रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है उसकी वाटर टैंक कैपेसिटी पे। वाटर टैंक जितना बड़ा होता है उतने ही ये हैवी और बल्की होते हैं और उतने ही ज़्यादा वर्टिकल स्पेस कवर करते हैं आपके बाथरूम में। वहीं गैस गीजर की बात करें तो ये साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और काफ़ी कम स्पेस कवर करते हैं, लेकिन इनके साथ LPG सिलेंडर का जरूरत पड़ती है जो एक्स्ट्रा स्पेस कवर करता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। वहीं यदि आपके बाथरूम में LPG पाइपलाइन का कनेक्शन है तो गैस गीजर स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट है। वहीं इंस्टॉलेशन की बात करें तो इन दोनों ही टाइप के गीजर को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट की। दोस्तों, मेंटेनेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक गीजर थोड़े कॉस्टली होते हैं। इनके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो महंगे होते हैं और इनके अंदर आपको काफ़ी एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिशियन भी इनको ठीक करने में थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है।
वहीं गैस गीजर में आपको एक दो सीजन के बाद कॉपर ट्यूब्स को क्लीन कराना होता है और उसके अंदर बैटरी सेल को चेंज करना होता है, लेकिन फिर भी उसका मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक गीजर के मुकाबले थोड़ा कम होता है। वहीं रनिंग कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। यदि आप इलेक्ट्रिक गीजर के वाटर टैंक को पूरी कैपेसिटी से गर्म करते हैं और उसको पूरी तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो आपका रनिंग कॉस्ट कम आएगा। वहीं यदि आप इलेक्ट्रिक गीजर के 25 लीटर के वाटर टैंक को पूरा गर्म करते हैं और उसमें से सिर्फ 10 लीटर गर्म पानी ही यूज़ करते हैं तो आपका रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 लीटर गर्म पानी और उसको गर्म करने में जो एनर्जी लगी है वो टोटली वेस्ट हो जाएगी। वहीं गैस गीजर में ऐसा नहीं होता, उसमें आप जितना गर्म पानी आप लेना चाहते हैं उतनी ही LPG गैस यूज़ होती है गर्म पानी को गर्म करने के लिए, यानी वो काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ होता है और आपका रनिंग कॉस्ट कम आता है। तो दोस्तों रनिंग कॉस्ट टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कितना इफेक्टिवली गीजर को यूज़ करते हैं। दोस्तों इन दोनों ही टाइप के गीजर को अच्छे से समझने के बाद अब बात करते हैं कि किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से टाइप का गीजर आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों यदि आप सिटी में रहते हैं, आपके यहाँ बजट, स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है तो आपके लिए इलेक्ट्रिक गीजर बेस्ट है। यदि आप इलेक्ट्रिक गीजर पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वहीं दोस्तों मैंने कुछ बेस्ट गीजर को सेलेक्ट किया हुआ है, यदि आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके उनको परचेज कर सकते हैं। यदि आप गांव या कस्बे में रहते हैं, आपके यहाँ बिजली आती जाती रहती है या फिर आपके घर के बाथरूम में एक LPG कनेक्शन है और आप कम बजट में एक बेस्ट गीजर लेना चाहते हैं तो गैस गीजर आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाते हैं। इनके भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी डिटेल वीडियो गैस वर्सेस इलेक्ट्रिक गीजर की। आशा करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट गीजर कौन सा है। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।